का भूख हो गया, सिर बांध करके चल रहे हैं और इसी ने कहने के लिए आए हैं ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है। भाजपा नमस्कार, जॉयस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की मैदाने जंग में अब योगी की एंट्री ने सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। झारखंड में जीत की जो हुंकार गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर कर गए, उसका टेम्पो और ज्यादा बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदाने जंग में कूद गए हैं। योगी झारखंड के आए, हिंदुओं के लिए फिर नया मैसेज ले आए। एक बार फिर से योगी ने बटेंगे तो कटेंगे से झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया है। योगी ने बोलना क्या शुरू किया, इंडिया अलायंस पर जमकर तीरों की बौछार कर जेएमएम और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे का जो असर देखने को मिला, अब बीजेपी झारखंड में भी ऐसा ही इंपैक्ट की उम्मीद कर रही है। झारखंड में सीएम योगी ने भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जमकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। अब सवाल यही है कि योगी बीजेपी के लिए आखिर कितने उपयोगी साबित होते हैं। तो झारखंड का सियासी तापमान पूरी तरह से हाई है। झारखंड में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है, उसके बाद 20 नवंबर को दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान, इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे हैं। ऐसे में झारखंड में मुद्दों की जो गूंज है वो काफी ज्यादा सुनाई दे रही है। अगर बात करें झारखंड के रण की, तो अब झारखंड के रण में सीएम योगी की एंट्री ने कईयों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। झारखंड की मैदाने जंग में अब योगी की एंट्री ने सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ा दी है। झारखंड में जीत की जो हुंकार अमित शाह और मोदी सेट करके गए, भर कर गए, उसका टेम्पो और ज्यादा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदाने जंग में कूद पड़े हैं। योगी झारखंड के आए, हिंदुओं के लिए फिर से संदेश ले आए। एक बार फिर से योगी ने बटेंगे तो कटेंगे से झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया। योगी ने बोलना क्या शुरू किया, इंडिया अलायंस पर जमकर तीरों की बौछार कर जेएमएम और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे का जो असर देखने को मिला, अब बीजेपी झारखंड में भी ऐसे ही इंपैक्ट की उम्मीद कर रही है। झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जमकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। अब सवाल यही है कि योगी बीजेपी के लिए कितने उपयोगी है, और बटेंगे तो कटेंगे का जो असर हरियाणा में देखने को मिला, उसकी गूंज क्या झारखंड में भी सुनाई पड़ती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी, योगी ने जीत की भरी हुंकार, फिर से पटेंगे कटेंगे वाला प्रहार। मैदान में आ गए हैं योगी, अब हिंदुओं की एकजुटता की गारंटी। बंटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। खैर, ये तो पहले से ही तय था। झारखंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे अब गूंज रहा है। हरियाणा में इस नारे की सफलता के बाद अब ये नारा महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड की राजनीति में केंद्र में है। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की परख झारखंड की सियासी फिजाओं में हो रही है। वजह यह है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी के घर में सबसे ज्यादा सीएम योगी की डिमांड है। वैसे तो हर राज्यों के चुनाव में सीएम योगी खुद फ्रंट से लीड करते रहते हैं, मगर झारखंड में उनकी मौजूदगी इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड चुनाव में घुसपैठियों पर सुलगती सियासत है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम योगी के इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में जैसा रंग दिखाया, वैसे ही झारखंड में भी इसकी गूंज चुनाव का रुख मोड़ सकती है। इसलिए जब सीएम योगी झारखंड पहुंचे तो वो उसी रंग में दिखे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था,
जब भी अवसर मिला इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही पकड़ते रहे, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो, एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया, तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भू माफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भू माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले। बंटी है मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से, यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। यानी साफ है कि झारखंड के मैदान जंग में अब योगी की एंट्री ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। झारखंड में जीत की जो हुंकार अमित शाह और मोदी भरकर गए उसका टेम्पो और ज्यादा बढ़ाते हुए सीएम योगी भी मैदान जंग में कूद गए हैं। एक बार फिर से योगी ने बटेंगे तो कटेंगे से झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो असर हरियाणा में देखने को मिला, क्या वो योगी की मैदान जंग में एंट्री के बाद झारखंड में देखने को मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड की मैदान जंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने कई के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि बीजेपी के लिए योगी कितने उपयोगी है, और जिस तरह से जो नारा हरियाणा से शुरू हुआ बटेंगे तो कटेंगे का, अगर हरियाणा जैसा असर झारखंड में भी देखने को मिलता तो किसके लिए आखिर ये खतरा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवा देती हूं। आजसू से प्रवक्ता वीणा देवी जी हमारे साथ है, साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता विजय चौरसिया जी हमारे साथ है, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी और आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जो एक नारा जिसकी गूंज हरियाणा से शुरू हुई और हरियाणा में इंपैक्ट देखने को मिला, अगर वही इंपैक्ट झारखंड में भी देखने को मिलता है तो कैसे चुनौतियों से पार पाया जाएगा? देखिए रिया जी, एक निवेदन है बीजेपी के नेताओं से जी कि वो थोड़ा सा संशोधन कर ले अपने नारों में। नारा उनका है कि बटेंगे तो कटेंगे। अभी योगी जी का रिपोर्ट आप खा रही थी, मैंने भी देखा, योगी जी ने कहा कि बांटोगे तो कटोगे, बांटो मत जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर। जी मैं निवेदन करता हूं योगी जी से, एक बात उसमें और जोड़ रहे कि धर्म के नाम पर भी बांटोगे तो कटोगे, सिर्फ जाति भाषा
क्षेत्रीय क्षेत्रीयता एक तीन नहीं, एक उसमें और प्लस करें बीजेपी के नेता में, मेरा विनम्र निवेदन है जो उसमें करें कि जाति भाषा क्षेत्र और धर्म किसी नाम पर मत बचना। सिर्फ अगड़ा पिछड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इनके नामों का समर्थन है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन एक निवेदन है कि थोड़ा संशोधन करें अपने नारों में। बटोगे तो कटोगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, चलिए ठीक है, के आधार पर उसका मैं सवाल ले लूंगी। चौरसिया जी हमारे साथ है, लेकिन तिवारी जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अब जिस तरह से योगी की एंट्री हो गई है, जो एक मोमेंटम अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट करके गए, उसे और ज्यादा योगी ने बढ़ा दिया है, कैसे पार पाया जाएगा? रिया जी, रिया जी, बहुत विनम्रता से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि क्या 3-4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में मोदी जी और अमित शाह नहीं आए थे क्या? आए थे ना, परिणाम टाए फिर, चिंता ना करिए। आज है 5 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख में बहुत अंतर नहीं है, गिनती करके देख लीजिए, 13 भी बीतेगा, 20 भी बीतेगा और 23 की वो घड़ी आएगी, ठीक है, जब झारखंड की गिनती हो जाएगी और ये चारों खाने चित्त दिखाई, ठीक है। चौरसिया जी, तिवारी जी यहां पर कह रहे हैं कि जीतना तो जेएमएम और कांग्रेस नहीं है, सरकार हमने ही बनानी है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या योगी हो, इनकी रैलियां लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी, कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था, जो असर आप लोग सोच रहे थे 2019 के मुकाबले कम ही सीटें आई थी, जवाब दीजिए। सबसे पहले रिया जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और खास करके तिवारी बाबा को भी, बीना जी हमारे सहयोगी हैं, सभी को आज छठ मैया का मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज जी क्या कहते हैं, नहाए खाए है, बड़ा पवित्र त्योहार होता है हमारे बिहार झारखंड यूपी में। जी योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, अगर पिछड़े को एक लाइन में खड़ा होने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। तिवारी बाबा को इससे क्या कष्ट है मुझे समझ में नहीं आता, बताइए तिवारी जी, ललाट में चंदन लगा के बैठे बताते हैं क्या कष्ट है। देखिए मैंने इनसे जब आपने पूछा है तब मैं बीच में नहीं बोल रहा, बोल दीजिए, आपने पूछा कि तिवारी जी बताइए, यही उत्तर है मेरा कि देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, देशवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब रहता है, सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं, जी जी, तो जी, क्या हिंदू ना बटे, मुसलमान बट जाए, सिख बट जाए, ईसाई बट जाए, क्या बोलना चाहिए इनके नेताओं? तिवारी बाबा बात को सुनिए, हमने ये बात कहा था? हमने ये बात तो नहीं कहा कि मुसलमान बढ़ जाए, ईसाई बढ़ जाए, अरे वो रहे एक, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन हम एक रहना चाहते हैं, इससे आपको क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है हमको, तो आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आप नारे कि सभी धर्मों के मानने वाले ना बटे, आपसे हम लेंगे नारों का जुमला, हम आपसे लेंगे, आपको हम रोक रहे हैं, आप रोक रहे ना, आप कह रहे हैं संशोधन कर, हमारा भी नारा है कि बटोगे तो बटोगे, हिंदू सिख मुसलमान और ईसाई आपस में, तिवारी बाबा, तिवारी बाबा आप हमारे नारों का संशोधन करने वाले कौन होते हैं? आप अपने कांग्रेस का नारा बनाइए और उसको प्रचारित कीजिए। दूसरी बात बता देता हूं तिवारी बाबा, आपके जैसे ही लोग कंधार में थे, आपके जैसे ही लोग कश्मीर में थे, क्या हुआ? कश्मीर हिंदुओं का राज था कि नहीं? हरि सिंह राजा थे कि नहीं? आज वहां के कश्मीरी पंडित कहां है? किसकी सरकार थी? आपकी कांग्रेस की सरकार थी ना? क्यों नहीं रोक पाया आपने? क्यों नहीं उसको बसा पाया आपने? क्यों नहीं 370 खत्म कर पाया आपने? क्यों एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आप लगे रहे? क्यों तुष्टीकरण की नीति चलाई आपने? अरे आपके दिल में, आपके सीने में हिंदू का दिल धड़कता है या नहीं धड़कता है? आप सनातनी हो या नहीं हो? आप ये मुझे बताओ, आपको कष्ट नहीं होता है जब संथाल के एक एरिया में, पाकुड़ के एक एरिया में, जब जमाई
टोला बस्ता है, जब जमाई बस्ती बस्ती है और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को आप जमाई की तरह छत्र छाया दे रहे हैं। आपकी सरकार कहती है कोई घुसपैठ नहीं हुई है। तिवारी जी, ये नारा इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर झारखंड के लिहाज से इसलिए हो जाता है क्योंकि हरियाणा में इसका असर हमने देखा, किस तरह से बीजेपी को मैंडेट मिला, जो तमाम दावे किए जा रहे थे चाहे कांग्रेस की तरफ से ही क्यों ना हो, कांग्रेस के दावे वहां पर फुस होते हुए दिखे। लेकिन झारखंड के लिहाज से मैं इसलिए बोल रही हूं ये नारा महत्वपूर्ण क्योंकि बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है, ऐसे में किस तरह से कांग्रेस जो है इस चुनौती से पार पाएगी? देखे मैडम, सीट का जो परिणाम है वो संख्या का खेल है। आपने देखा होगा कि कभी कभी 23 वोट से चुनाव जीता जाता है, 62 वोट से चुनाव जीता जाता है, हरियाणा में यही हुआ है। अब उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जीत तो जीत है तिवारी जी, एक वोट से हो दो वोट से हो, जीत तो जीत है। मैंने कहा कि वहां की पराजय मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वहां की पराजय और वहां की परिस्थितियों से हमने सीख भी लिया है। जिस तरह से तिवारी जी कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर, आजसू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो झारखंड की बदलती हुई डेमोग्राफी है इसका मुद्दा जमकर उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन जिस तरह से तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं, क्या सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं? चाहे एनडीए की बात हो, क्या सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है? धर्म के मैटर पर यहाँ पर जो है एकजुट करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हम धर्म की राजनीति करते हैं। तिवारी जी, सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं और हम यहाँ पे किस मुद्दे में परिचर्चा करें। झारखंड का कौन सा कोना है जिसमें आपके विकास की गंगा बहा दे और उस विकास की गंगा बात कर आप बता दीजिए, बात करते हैं आपसे, आप बताइए। हम इतना कि हमने हरियाणा से सीख लिया है तो आपने सुधार भी किया होगा हरियाणा से, तो आपके पास तो समय ही नहीं बचा था सरकार, आपने कहा कि समय सुधार कर लिया। आप महिला सम्मान योजना भी भूल गए हैं, अभियान भूल कर सफाई का भी बात करेंगे ताकि लोग बीजेपी और एनडीए साइक पार्टी है संक्रमण बात करती है, तो आप जिन जिन बच्चों की बात करते हैं मैं उनसे ये पूछता हूँ क्या उनको भूख नहीं होती है, क्या उनको योजना की आवश्यकता नहीं होती है? आप आदिवासी शर्मा को आदिवासी जो चीजें हैं उसको आपने कहाँ काम किया? आदिवासी कर्णापुर की बात आती है तब आप बिना राज्यपाल से दफ्तर के उसको सैलरी भेज देते हैं, क्या आप इस संवैधानिक पद पर होते हैं? आपको ये पता नहीं है कि किसी भी योजना प्रस्ताव को पारित करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है? आप बड़े 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 मंचों में जाकर आपके माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, हम आदिवासी हितैषी हैं। मुझे तो लगता है पूरे राज्य में एक ही आदिवासी परिवार है जिसके पास हेमंत सोरेन जी का परिवार, उन्हीं को पूरा आदिवासी का हित मिलना चाहिए। जितने सारे कंपनी है उनको मिलना चाहिए, जितनी सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए और उससे कोई बेरोजगार भी तिवारी जी, क्या भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा और जिस तरह से वादा खिलाफी, ये तीन मुद्दे बीजेपी, आजसू या एनडीए जो है प्रमुखता से उठा रहे हैं, क्या ये तीनों मुद्दे कांग्रेस और जेएमएम की गले की फांस बनते जा रहे हैं? देखिए मैडम सुनिए, अभी पूछ रही थी मैडम और विजय चौरसिया जी भी पूछ रहे थे कि कैसी राजनीति आप लोग करना चाहते हैं। हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए मैडम, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बताइए चौरसिया जी, जवाब दीजिए। तो होना ही चाहिए। अरे पुराना बीच में नहीं बोलिए बोलने कह रही आदरणीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि राजनीति का धर्म हो, धर्म की राजनीति ना हो। ये लोग भटक गए हैं, कहते हैं कि आप अपना नारा गढ़िए, हम तो नारा गढ़े हैं, ये मेरा नारा है, ये जूटोगे तो बढ़ोगे, जूटोगे तो बढ़ोगे, बांटोगे तो कटोगे, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खाली हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू पार्टी के लिए जो नारा देना आप दीजिए, ईसाई और हमारा नारा है। ये बताएं कि क्या इनकी पार्टी में मुसलमान नहीं है? ये अपने सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ गले लगाते हैं, नहीं है वोट जहाँ लेना है वहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, गाय गंगा करते हैं,
इनको सिर्फ वोट चाहिए, मुद्दों का अभाव है इनके पास, इनको सिर्फ धर्म की राजनीति चाहिए। धर्म की बात जिस दिन ये करना छोड़ देंगे, अब घबराइए नहीं, रहीमन हाड़ी काठ की चढ़त न बारम्बार, दूजो बार नहीं बारम्बार, अब पता चलेगा इनको, अभी चुनाव हो रहा है ना, इंतजार कीजिए इसी के परिणाम का, इसी के परिणाम का इंतजार कीजिए। बताइए चौरसिया जी, वो कह रहे हैं सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है भारतीय जनता पार्टी। जीरो पे आउट होंगी तिवारी बाबा, जीरो पे आउट होगी कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति नहीं करते हम इंसानियत की राजनीति करते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार हो रहा था, जब उसके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जब उसकी बहु बेटियों को बाहर करके दुराचार किया जा रहा था, कांग्रेस के लोग मंदिरों में पट्टी क्यों बांध रहे थे, क्यों क्यों कांग्रेस के बोल नहीं फूटे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तिवारी जी, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ भी आपके मुंह क्यों बन रहे हैं? कौन सी राजनीति करते हैं आप? तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं? अरे तिवारी बाबा, ललाट लगाइए उसकी तो लाज रखिए, इंसानियत की राजनीति करिए। हमारे सुनिए चौरसिया जी, अभी मैंने देखा नहीं आपको, गलत बोल रहे हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। पूरी बात सुनिए आप, आज पूरी बात सुनिए, आपको तो मैंने टोका नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे जो मुस्लिम है ना हमारे पार्टी में, वो पाकिस्तानी परस्त नहीं है, वो अफगानी परस्त नहीं है, वो बांग्लादेशी परस्त नहीं है। जमाई टोला जो बसा है झारखंड में आपके कार्यकाल में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? रोहिंग्या मुसलमानों को आप दबाव बढ़ा के रखे हैं पाकुड़ के इलाके में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आप हर हफ्लाना जाहिर करते हैं हाईकोर्ट में, क्या कोई घुसखैठ नहीं हुआ है? क्या कुछ आपका आत्मा हिलता नहीं है? आप हिंदू हो नहीं, आपकी इंसानियत नहीं है, आपकी आत्मा कलंकित नहीं है कि कैसे हिंदू बेटियों को 32 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं? क्या बात करेंगे आप इन कांग्रेसियों से? क्या बात करूं मैं तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर सुविधा के अनुसार राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी तो वही करती है ना। जम्मू कश्मीर में किसने कहा था तिवारी जी, जम्मू कश्मीर में किसने कहा था हमारी सरकार आई तो 370 वापस लाने की कोशिश करेंगे? हरियाणा में या किसी और प्रदेश में आप भी तो ऐसे ही करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन, कभी गठबंधन टूट जाता है, कभी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो आप भी तो सुविधा देखते हैं ना। ये महबूबा मुफ्ती से नहीं किए थे, ये नीतीश कुमार से करके नहीं तोड़ते हैं, ये करे तो अच्छी बात है, क्या हो गए हम करे तो। बताइए चौरसिया जी, वो कह रहे हैं आप लोग भी तो सुविधा के अनुसार करते हैं। दूसरी बात सुनिए रिया मैम जी, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है, याद नहीं होगा चौरसिया जी को, मैं याद कराता हूं इनको कि पाकिस्तान की दोस्त छाती फाड़ के बांग्लादेश का निर्माण इन्होंने नहीं कराया। जिस बांग्लादेश में आज ये मंदिर की बात करते हैं, उसको 95,000 सैनिकों का हाथ ऊपर करा के खड़ा कराया। इंदिरा गांधी जी ने उसका रसद पानी बंद किया। जनरल मलिक के नेतृत्व में हमने जीते, सवाल उठाया है क्या? जंग जीते हमने, हमने पाकिस्तान को किया। अरे हमने कभी सवाल उठाया है? हमने कभी सवाल उठाने क्या? हमने मैंने टोका नहीं है आपको, मैंने टोका नहीं है, आप सुनिए चुपचाप, आप जवाब सुनोगे, मैं आप जवाब सुनोगे। तीर कर बांग्लादेश का निर्माण किसने कराया? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की छाती फाड़ी। कितनी बार बोलोगे? फाड़ी कितनी बार बोलोगे? हमने उसका ऑब्जेक्शन किया है क्या? हमने उससे सवाल उठाया है क्या? हम सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो आपका मुंह क्यों बंद होता है? आज आपका बांग्लादेश मंदिर तोड़ा गया तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने आप मीडिया में सुनिए, आपने जिम्मेदारी आपकी है, सीमा की जिम्मेदारी केंद्र में संसद होने के बावजूद जिम्मेदारी है। आपने क्यों खुद बैठ होने दिया? आप क्या कर रहे थे? आप कोट पैंट बदल लगाया तिवारी जी, अगर इस मुद्दे को जोड़ देना है बांग्लादेशी घुसपैठी वाले मुद्दे को, और जिस तरह से बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर लगातार एनडीए जो है जोर उठा रही है, आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और जेएमएम की गरीब के साथ
करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। नहीं बाकी तो खैर फिर नतीजे बताएंगे ही। तिवारी जी, वीना जी और चौरसिया जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने। 23 तारीख को ये नदारत जी बिल्कुल 23 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किसके मुद्दे में कितना है दम। तो झारखंड की मैदान जंग में अब योगी की एंट्री ने सियासी पारा एक बार फिर से हाई कर दिया। हालांकि किसके मुद्दे में कितना दम मिलता है और बीजेपी के लिए योगी कितने उपयोगी साबित होते हैं, हरियाणा की गूंज क्या झारखंड में भी शोर मचा पाती है, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। पद माफिया, भू माफिया सिर मान करके चल रहे हैं और इसी ने कहने के लिए आए हैं ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है।